नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बजट सत्र 2023 में शामिल होने में सांसद भवन में विपक्षी सांसदों पर बड़ी अपील की है। पीएम ने सत्र से पहले ही कहा है कि मुस्कान के साथ ही विपक्षी सांसदों से कहा है कि टकरार भी होनी की चाहिए, लेकिन तकरीर भी होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है पीएम मोदी ने, आइए आपको सुनाते हैं। भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। और सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जहां उन्होंने बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत होने से पहले और द्रौपदी मुर्मू की संबोधन से पहले उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा है कि टकरार तो होनी ही चाहिए लेकिन तकरीर भी होनी चाहिए। अब उत्तराखंड की खबरों से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। और बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज तमाम कैबिनेट मंत्री की बैठक में पहुंचे हैं। इस दौरान बता दें कि नगरीय निकाय और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए जहां रणनीति बनाकर चर्चा की गई, वहीं राज्य के विकास को लेकर भी कई अहम मुद्दे निर्णय लिए गए हैं। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से राज्य को कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं, वहीं विकास योजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि राज्य में सेवा, बता दें कि राज्य के लिए 125,000 करोड़ रुपए अधिक योजनाएं गतिमान की गई है। राज्य के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार और संगठन पहुंचे हैं। इसके साथ ही लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए। निरंतर प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। नगर निकाय चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव जीतना ही केवल संगठन का मकसद नहीं बल्कि संगठन का मकसद है राज्य में हर हर और विकास की गंगा बहाना, जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। ने इन 8 सालों में जो बुलंदियों को छुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को लेकर जो काम केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है, उन सभी पर विस्तार से जो चर्चा हुई है वो यहाँ भी होगी। और उत्तराखंड राज्य से प्रधानमंत्री जी का एक विशेष लगाव शुरू से रहा है, उसके कारण से 125,000 करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएँ प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रही हैं लगातार। चाहे आज चार धाम ऑल वेदर सड़कों की बात हो या हमारे यहाँ पर केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान हो, हवाई जहाज हवाई अड्डों का विस्तार हो, उन सभी पर तेजी से काम हुआ है।
रायवाला स्थित बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे वहां पर और इस दौरान कार्य समिति की बैठक में संगठन और सरकार के कार्यों की समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि रायवाला में दो दिन से चल रही बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संगठन और सरकार के कार्यों की समीक्षा की गई है और आगामी कार्य योजना भी बनाई गई है। रायवाला स्थित एक बता दें कि रिसोर्ट में आज सुबह लगभग 1.5 घंटे तक शुरू हुई कार्य समिति की बैठक में यहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां शामिल हुए और साथ ही बता दें कि कार्य समिति के द्वितीय सत्र के समापन के बाद से मीडिया से जानकारी देते हुए प्रदेश में सरकार और संगठन बेहतर तालमेल के साथ विकास की ओर अग्रसर है ये बात कहते नजर आए हैं। वही बता दें कि मुख्यमंत्री ने जोशीमठ मामले पर वामपंथी राजनीति पार्टियों द्वारा समस्या का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा को व्यवस्थित और सुचारू संचालन के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। कश्मीर मामले में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से केंद्र सरकार का धारा 370 हटाने का निर्णय सही साबित हुआ है। अब वे अलगावादी गतिविधि नहीं हो सकेंगे वहां पर और वही कार्य समिति की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया है कि दो दिन चली कार्य समिति की सरकार और साथ ही संगठन में कार्य कर रहे नेताओं के कार्यों की समीक्षा बैठक में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रचंड बहुमत दिलाने का विशेष चर्चा की गई है। जल्द ही अन्य पार्टी के लोगों को जिम्मेदारी के साथ ही संगठन विस्तार के कार्य का जिम्मा सौंप दिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके बाद से बर्फबारी के बाद से पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जिसकी वजह से सैकड़ों जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर से सक्रिय होने से राजधानी दून समेत पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी ने बता दें कि जमकर बर्फबारी हो रही है, साथ ही इस दौरान बारिश का दौर भी देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में काफी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है और ये तस्वीर देखिए हरिद्वार की, जहां पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और इस दौरान ऑरेंज अलर्ट कई जगहों पर जारी करते हुए नजर आया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इंतजार रजा जुड़ गए हैं। इंतजार रजा, जिस तरीके से उत्तराखंड के अलग अलग जगहों की हम तस्वीर देख रहे हैं और हरिद्वार की खास करके जो तस्वीर हम देख रहे हैं, पर्यटकों में कितनी खुशी देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के मौसम में लगातार परिवर्तन जारी है और वहीं पश्चिमी विक्षोभ के इस बार सक्रिय होने के बाद आज यहाँ जो बर्फबारी है उत्तराखंड के अंदर तमाम जो पर्वतीय जिले हैं या फिर मैदानी क्षेत्र है, चाहे पर्वतीय जिले हैं उनमें होने वाली बर्फबारी की बात करें या फिर मैदानी क्षेत्रों में होने वाली बरसात की हम बात करें तो लगातार जारी है। और जो टीमें हैं इन सब चीज जो परेशानियां जो होती हैं उन सबसे निपटने के लिए जो टीमें हैं प्रशासन की, वो भी अलर्ट मोड पर यहाँ पर रखी गई है। हालांकि मौसम विभाग के द्वारा पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ पर कई जिलों को लेकर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है कि जो भी मैदानी क्षेत्र या फिर पर्वत क्षेत्र में लगातार बारिश और बर्फबारी का होना संभव यहाँ पर है। और यही अगर हम गंगोत्री धाम की अगर हम बात कर ले तो लगातार होने वाली बर्फबारी से यहाँ पर गंगोत्री धाम मंदिर सफेद चादर बर्फ की पूरी ढक गई है और लगातार जो बर्फबारी है वो पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार जारी है। हालांकि किसी तरह कोई जो रोड है या मार्ग है टूटने की जो कहीं से सूचना है वो नहीं मिली है, हालांकि बाधित हुआ है जिसको लेकर जो टीमें हैं वो रोड बाधित हुए जो रोड है उनसे बर्फ को हटाने का जो कार्य वो भी लगातार जारी है। और मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात कर ले तो क्योंकि फिलहाल गेहूं की फसल है या फिर अन्य फसलें हैं उनके लिए यह बारिश जो है वरदान साबित यहाँ पर हो रही है। जी बिल्कुल इंतजार रजा, जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं और एक तरफ से मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है वो किस तरीके से सटीक साबित होती नजर आ रही है, ये तस्वीर साफ तौर पर जाहिर करती है, लेकिन स्थानीय लोगों को क्या क्या समस्याएं हो रही है जिसका वो आम दिनों में सामना कर रहे हैं? इन दिनों में जिस तरीके से बारिश का दौर और साथ ही बर्फबारी का दौर जारी है, स्थानीय लोग कितने परेशान हैं?
बिल्कुल देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद मौसम विभाग उत्तराखंड के द्वारा लगातार यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया था, जिसको लेकर प्रदेश में बर्फबारी और बरसात की जो सूचना लगातार प्रसारित की गई थी। बताया गया था कि आने वाले 24 घंटों में यहाँ पर बरसात और बर्फबारी लगातार जारी रहेगी, जिसको लेकर जो तापमान में गिरावट होगी। और चूंकि सर्दी का मौसम है, लोग एक बार फिर अलाव का सहारा यहाँ पर लेते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जो मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर लगातार कोहरे से निपटने के लिए भी जो लोगों को यहाँ पर चेताया गया कि जो आने वाले समय में बताया गया कि जो जब तक पश्चिम विक्षोभ का जो मानसून है वो शांत नहीं हो जाता, जब तक 24 घंटे के बाद लोगों को यहाँ पर भारी कोहरे का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। लेकिन बिल्कुल भारी कोहरे का तो सामना करना ही पड़ेगा, लेकिन ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। किन किन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हम अगर पर्वतीय जिलों की हम बात कर ले, चाहे उत्तरकाशी, अल्मोड़ा और देहरादून या फिर अन्य जो पर्वतीय जिले हैं, इनको लेकर बर्फबारी का अलर्ट यहां पर किया गया है। तो वहीं जो मैदानी क्षेत्र है, इनमें कहीं गर्जनाक बिजली के साथ बारिश का अलर्ट यहां पर जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार की ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से बर्फबारी का दौर जारी है और इस दौरान पर्यटकों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वही मौसम विभाग ने यह भविष्यवाणी की थी जो सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तमाम जगहों पर और इस दौरान स्थानीय लोगों को जिस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर भी प्रशासन काफी मुस्तैद है। प्रशासन और साथ ही सरकार भी इसको लेकर तमाम तरीके की योजनाओं को और तमाम तरीके के वहां के लोगों को चीजों को मुहैया कराती हुई नजर आ रही है। वहीं जिले में हो रही आफत की बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है। देर रात तक जनपद भर में बारिश लगातार जारी है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। तो ही बता दें कि यात्रा कर रहे लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में बारिश के कारण सिरोबगर के समीप मार्ग बाधित रहा है। यहां पहाड़ी से लगातार बुलडोजर गिराने को लेकर बोल्डर गिराने को लेकर मार्ग को, आवाजाही को आधे घंटे के लिए बंद किया गया है, जिससे किसी तरह की कोई घटना ना हो पाए। पत्थर गिराने का सिलसिला लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से राजमार्ग पर आवाजाही सुचारू कर दी गई, जिसके बाद से बता दें कि यहां पर किस तरीके से पत्थर गिर रहे थे, उसके बाद से जब ये सिलसिला रुक गया, उसके बाद से वहां पर आवाजाही शुरू करते हुए प्रशासन नजर आई है। वही जनपद पौड़ी में हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रही है। इसके साथ ही पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में लगातार मार्ग बाधित होने से सुविधाएं बता दें कि नहीं मिलती हुई लोगों को नजर आ रही है। इसके साथ ही मद्देनजर आज राष्ट्रीय राजमार्ग 121 चौपाड़िया पाबो में पास ही एक कार के ऊपर पेड़ गिर गया है। उक्त गाड़ी में 3 लोग सवार थे, जिसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे दी गई। इसके बाद से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। चौकी प्रभारी पाबो दीपक पवार ने बताया है कि आज सुबह SBI बैंक की गाड़ी कैश लेकर चौकी सेन जा रही थी और इसी दौरान जैसे ही गाड़ी चौपड़िया के पास पहुंची, अचानक गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया है, जिससे गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। गाड़ी में बैठे 3 लोगों पर भी हल्की फुल्की चोटें आई है। उन्होंने बताया है कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया है और गाड़ी में बैठे बैंक कर्मचारी, गार्ड और ड्राइवर को बाहर निकालकर दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने बताया है कि कर्मचारियों को बाहर निकालने के बाद अन्य बैंक कर्मचारी के माध्यम से बैंक में कैश को दूसरी गाड़ी के माध्यम से चौक सेन के लिए भेजा गया और इसके साथ ही नेशनल हाईवे को खुलवाने का काम पुलिस द्वारा किया गया है। लक्सर स्थित गन्ना समिति कार्यालय में बता दें कि HDFC बैंक द्वारा किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में लक्सर के SDM गोपाल राम बिनवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। कार्यक्रम में मौजूद किसानों को बैंक के द्वारा ऋण संबंधी जानकारी दी गई है, साथ ही जो किसान बैंक से जुड़े हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। SDFC बैंक के मैनेजर अनिल नेगी ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में किसानों को सबसे अहम योगदान है, इसलिए उनके द्वारा आज बैंक से जुड़े किसानों को सम्मानित किया गया है। SDM गोपाल राम बिनवाल ने कहा है कि HDFC बैंक द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों के जरिए किसानों को ऋण से संबंधित कई अहम जानकारियां दी गई है। निश्चित रूप से यह जानकारी किसानों के लिए लाभदायक साबित होगी।
में हम सबसे बड़े प्राइवेट बैंक हैं कंट्री के, और दूसरे बड़े बैंक है बैलेंस शीट साइज में, और हमसे आगे सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। और आज हम कम से कम 23 लाख करोड़ की बैलेंस शीट को रखते हैं, और आने वाले टाइम में हम अगले दो साल में ये देख रहे हैं कि हम स्टेट बैंक को भी पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि 52 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है। और ये बहुत जल्दी आपको देखने में मिलेगा, क्योंकि हमारा जो मर्जर हो रहा है HDFC लिमिटेड से, उसके बाद हम स्टेट बैंक को भी पीछे छोड़ देंगे अगले 3 साल के अंदर। एक HDFC बैंक के द्वारा किसान सम्मान समारोह किया गया था, जिसमें यहाँ पर मुझे भी आमंत्रित किया गया था, और इसमें बैंक के द्वारा जो किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की ऋण से संबंधित स्कीम है उसके बारे में जानकारी दी गई, और प्लस जो यहाँ पर उन इस बैंक से संबंधित जो काश्तकार के द्वारा ऋण लिया गया या जो इस बैंक से जुड़े हुए लोग हैं उनको सम्मानित भी किया गया। तो इसका मुख्य मोटिव यही था कि किसानों को जो बैंक के द्वारा दी जा रही सुविधाएँ हैं उसका व्यापक प्रचार प्रसार बैंक का करने का था, और प्लस और जो किसान है उनको सम्मानित करने की योजना थी, उसी को लेकर के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। वहीं उधमसिंह नगर में 18 जनवरी को सुरेश चंद्र ने पुलिस उपाध्यक्ष खटीमा को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उनका कहना है कि अजय और मनोज ने उन्हें और उनके रिश्तेदार को सरकारी और संविदा से नौकरी लगवाने का दावा किया था, जिसके बाद से उन्हें 10 लाख से 36,50,000 रुपए मनोज श्रावत को दिए हैं, और सरकारी नौकरी न मिलने से जब वे पीड़ित न आरोपी से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, खटीमा में भोले भाले और सीधे पहाड़ मूल के लोगों को गुमराह करके, मतलब बहका के, विभिन्न सरकारी विभागों में विभिन्न प्रकार की नौकरियां लगाने का झांसा देकर, झूठा आश्वासन देकर लोगों से भारी भरकम रकम ऐंठते थे, और उसके बाद उनको झूठा और फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देते थे। मतलब अलग अलग विभाग में, उद्यान विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग से लेकर दुनिया भर के अलग अलग विभाग में विभिन्न प्रकार की झूठा और एकदम फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी देते थे, और लाखों रुपए की ठगी कर देते। कई सारे विक्टिम्स को इन्होंने मतलब विक्टिम बना दिया। तो इसी क्रम में पुराने में ही एक ऑलरेडी FIR पंजीकृत था, हाल ही हमने एक और FIR पंजीकृत किया था, जिसमें अजय साहनी प्रमुख अभियुक्त माना गया था। सितारगंज में बीती रात बघौली रोड पर एक राइस मिल में अवैध मिट्टी को समतलन करने पर उप जिलाधिकारी सितारगंज तुषार सैनी और तहसीलदार सितारगंज जगमोहन त्रिपाठी और बता दें कि राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मुखबिर को सूचना पर समतल मिट्टी करती हुई एक अवैध JCB को पकड़ लिया है और मंडी में आकर सीज कर दिया है। साथ ही इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को भेज दी गई है। आपको बता दें कि बीती रात बघौली रोड पर नई बनाई जा रही बता दें कि बघौरी रोड पर बनाई जा रही इस राइस मिल में अवैध खनन माफियाओं द्वारा अवैध मिट्टी डाली जा रही थी, जिसकी सूचना पर उप जिलाधिकारी और तहसीलदार की संयुक्त टीम ने छापा मारा है, जिस पर अवैध मिट्टी खनन माफिया मौके से फरार हो गए, लेकिन अवैध रूप से समतल करती हुई JCB मशीन को पकड़ लिया गया और मंडी में लाकर सीज किया गया। साथ ही बता दें कि इस रिपोर्ट को लेकर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को भेजा गया है, जहां एक तरफ प्रशासन अवैध मिट्टी को लेकर रोकने को लेकर प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस गहरी नींद में सोकर अवैध मिट्टी खनन रात में खुलेआम होती हुई देती हुई नजर आ रही है। और उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा संयुक्त रूप से राजस्व कर्मचारियों की टीम द्वारा रात्रि को जो अवैध खनन की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही है, उसके क्रम में बघौरी की शिकायत प्राप्त थी, जिसके आधार पर उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में हम लोग वहाँ पर गए और एक JCB को जो अवैध मिट्टी को पाटन कर रही थी, पटाल कर रही थी, और उसके पास कोई वैध कागजात नहीं थे, उसके आधार पर हमने उसको सीज कर सुरक्षा की दृष्टि से मंडी समिति में खड़ा किया। अब वहाँ पर उपलब्ध थी और उसके संबंध में उनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। वहीं हरिद्वार में बाल विकास प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लॉक बता दें कि बहादराबाद के दादूपुर गोविंदपुर में बाल विकास प्रदर्शनी मेले के नाम पर जादूगर शो के नाम पर बाल बालाओं के अश्लील डांस दिखाए गए हैं। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी मेले में आयोजन के लिए दिए गए अनुमति पत्र में मेले के अंदर किसी भी तरह की वैरायटी शो और अश्लील डांस, साथ ही किसी भी तरह की सट्टे पर पाबंदी लगाई जाती है,
है, लेकिन मेले में ऐसी गतिविधियों पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जाती है, लेकिन इसके बाद भी मेले में जादूगर के नाम पर पर्दे के पीछे बाल बालाओं के अश्लील डांस चलता रहता है। नियम कानून को ताक पर रखकर मेला ठेकेदार द्वारा प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर मेले के अंदर सुरक्षा व्यवस्थाओं को बनाने के लिए भी पुलिस की दस्तक गश्त देखने को मिलती है, मगर इस पर पुलिस की भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं देखी गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को साकार करने के लिए मंगलौर में बने केवल कन्या पाठशाला ने नई मिसाल पेश की है। स्कूल प्रशासन ने बेटियों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए आत्मरक्षा के लिए बता दें कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गांव देहात के गरीब बेटियों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मिलते ही वे खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। स्कूल प्रबंधक डॉक्टर रविंद्र कपूर ने पहल से स्कूली छात्राओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हर लड़की मुसीबत के समय अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। आज देश में महिलाओं और लड़कियों पर हो रहे अत्याचार की वजह से कहीं ना कहीं मानसिक रूप से उन्हें कमजोर समझा जाता है। इसके कारण आए दिन छेड़खानी और दुष्कर्म जैसे मामले सामने आते हैं। इस विद्यालय के छात्राओं को मानसिक और शारीरिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए परीक्षित ट्रेनर द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। केवल कन्या पाठशाला में पढ़ने वाली 3000 बेटियों को निःशुल्क मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। सरकार द्वारा चलाए गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नारा मंगलौर में बने केवल कन्या पाठशाला में साकार होता नजर आ रहा है। यहाँ पे मई में आई थी, 2 घंटा सिखाती हूँ और 8 to 12 की सभी छात्राओं को मैं सिखाई थी वहाँ पे टैकोंडो। तो सभी लड़कियों को सीखना चाहिए और मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सभी लड़कियों के लिए। सभी लड़कियों को आत्मरक्षा आनी चाहिए और अपना दिमाग और मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। कितना उत्साह है छात्रों में? बहुत उत्साह है, हर एक छात्र अपना बहुत उत्साहवर्धन से यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है और 8 to 12 सारी लड़कियाँ पार्टिसिपेट करती है हर चीज़। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के अनुसार के बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाने का कार्य तो कॉलेज में चल ही रहा था, बेटी बचाओ के संदर्भ में ही हमने ये अपनी या लोकल सोच या यहाँ की ज़रूरत को समझते हुए हमने बच्चों को कराटे सिखाने का प्रयास किया है। और आपने देखा ही है कि बच्चों के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस इस हाथ चलाने का पत्थर तोड़ने का जो पैदा हुआ है, ये अपने में एक अनोखी हम लोगों का प्रयास है। नारियां और जो स्त्रियां हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो उनके लिए हम ये सब सीखना चाहते हैं ताकि अगर कोई हमें परेशान करे तो हम सुरक्षित महसूस करें और उसका मुंह तोड़ जवाब। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।